हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को आएंगे गोरखपुर, सिटी गैस वितरण परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। एक माह तक चलने वाले अभियान का विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया लाइव प्रसारण। डीएम एसएसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में कलयुगी मां ने साजिश के तहत अपने पुत्र को जेल भिजवाने की कोशिश। पुलिस की तफ्तीश में मामला निकला फर्जी। आरोपी 4 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कोयले और अन्य तरल ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस है अधिक उत्कृष्ट ईंधन। प्राकृतिक गैस सुरक्षित, स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल। सिटी गैस वितरण परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। टॉरेंट कंपनी के अधिकारियों ने दी जानकारी। 25,000 के इनामी बदमाश को जगह पुलिस ने कोलकाता में किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। 23 नवंबर को योग संगम और गुरु गोरखनाथ शोधपीठ संस्थान का शिलान्यास करेंगे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम अधिकारियों की हुई बैठक। मनाई गई रणनीति। 22 को विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री करेंगे सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन। कार्यक्रम स्थल के तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए निस्तारण के निर्देश। जिलाधिकारी ने राप्ती नगर और सूरजकुंड वार्ड में किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। सफाई के प्रति लोगों को किया जागरूक। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जिला इकाई ने तहसील परिसर में दिया धरना, किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर 30 नवंबर से दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्मसभा की सफलता के लिए बिहट ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस, किया भारी संख्या में लोगों को अयोध्या पहुंचने की अपील। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय स्वच्छाग्रही संघ का 5 दिवसीय धरना रहा जारी। भारी संख्या में मौजूद रहे स्वच्छाग्रही। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ईसाई समाज ने दिया धरना। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज का 19वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मंगलवार को हुआ समापन। एनडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों को दी आपदा से बचने की जानकारी। और अंडर 14 क्रिकेट लीग कप में देवरिया ने कुशीनगर को 9 विकेट से रौंदा।